कॉन्ग हल्क, मुझे माफ कर दो, मैं जान चुका हूँ कि तुम सबसे पावरफुल हो। नहीं ज़ॉम्बी किंग कॉन्ग, मैं तुम्हें आज छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखो अभी मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये ले, ये ले, ये ले। सो गाइस, ज़ॉम्बी कॉन्ग ने लॉस सैंटोस में फैला दिया है ज़ॉम्बी वायरस, और ये वायरस इतना खतरनाक है कि इसे अपना हल्क भी नहीं रोक पा रहा है। इसीलिए आज हमारे फ्रैंकलिन को एक मिशन पर भेजा जा रहा है, जिसमें उसको तीन सबसे पावरफुल हल्क को मारकर उनके सीरम को एक किंग कॉन्ग में इंजेक्ट करना होगा, जिससे हम एक ऐसे कॉन्ग हल्क को बना सकेंगे जिसके पास हल्क और किंग कॉन्ग की पावर होगी, और ये इतना पावरफुल होगा कि इसे हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। सो भाई लोग देखो यार, अभी ज़ॉम्बी वायरस कितना ज्यादा फैल चुका है, हमारा हल्क भी अभी ज़ॉम्बी बन चुका है, और भाई देखो यार यहाँ पर कितने ज्यादा ज़ॉम्बी हैं। मुझे यार जल्दी जल्दी से इन्हें मारना होगा, क्योंकि यार अगर हमारा हल्क यहाँ पर बेकाबू हो गया तो भाई लोग इसे रोकना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। तो यार मैं ना अपनी स्पेशल गन एक बार निकाल लेता हूँ, और यार जल्दी से मुझे इस हल्क को मारना होगा। ये ले हल्क। अरे भाई यार इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ। ये ले हल्क, ये ले हल्क। अरे भाई गाइस देखना यार, हमने इस हल्क का क्या हाल कर दिया। लेकिन यार यहाँ पर अभी ज़ॉम्बी वायरस बहुत ही ज्यादा फैल चुका है, इसीलिए देखो भाई कितने ज्यादा ज़ॉम्बी है यहाँ पर। हमें जल्दी से यार इन्हें मारना होगा, क्योंकि भाई लोग देखो यार हमारा एक ज़ॉम्बी हल्क वहां पर भी है। इसीलिए यार जल्दी जल्दी से इन्हें मारते हैं, क्योंकि यार सबसे जरूरी तो हमें ज़ॉम्बी हल्क को मारना है। तो चलो आ जाओ यार, मेरी स्पेशल गन अभी यहाँ पर है। आ जाओ ज़ॉम्बी हल्क, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये ले ओपी। भाई देखना यार हमने इसका क्या हाल कर दिया। मैं ना यार इस पर ज्यादा से ज्यादा वार कर रहा हूँ, कहीं भाई लोग ये उठ गया तो यार ये मुझे छोड़ने नहीं वाला है। इसलिए यार अभी मैं जल्दी से इन ज़ॉम्बी को मारता हूँ। ये ले, ये ले। ओके सो भाई लोग यार अभी हमने दो ज़ॉम्बी हल्क को मार दिया है, और हमारा ये लास्ट वाला ज़ॉम्बी हल्क है, अगर हम इसे मार देते हैं तो यार हम इन ज़ॉम्बी हल्क को मारने में कामयाब हो जाएंगे, और इसी के साथ हम यार अपने सेकंड हल्क की लोकेशन पर पहुंचेंगे। तो आ जाओ भाई लोग अभी जल्दी से इसे भी मारते हैं। ज़ॉम्बी हल्क, मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला हूँ। ये ले भाई साहब, देखना यार ज़ॉम्बी हल्क ने कितनी ज्यादा तबाही मचा दी है। देखो यार यहाँ पर कितने ज्यादा ज़ॉम्बी हो चुके हैं। तो चलो भाई लोग अभी हमने इन तीनों ज़ॉम्बी हल्क को मार दिया है, इससे पहले कि यार ये ज़ॉम्बी मुझे भी अपना इन्फेक्शन का शिकार बनाए। तो चलो यार अभी हम जल्दी से अपने दूसरे हल्क की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तो यार हमें यहाँ पर देखना होगा, शायद हमें हमारा पहला हल्क यहाँ पर मिल सकता है। वैसे यार मुझे पता लगा था कि एवरी संडे है ना एक हल्क यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आता है। एक मिनट गाइस, मुझे लगता है कि हमें हल्क दिख चुका है। ये कौन सा हल्क है भाई? गाइज ये हमारा पहला ग्रीन हल्क है, और ये यार ऑर्डिनरी हल्क है जिसने एवेंजर्स की मूवी में भी काम किया था। अरे भाई यहाँ पर इसका मर्डर किसने कर दिया? ये हमने नहीं किया है। तो चलो गाइज जल्दी से इस वाले हल्क का सीरम निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर किसी ने गोलियां चलाते हुए देख लिया ना तो इसका इल्जाम भी हमारे ऊपर आ जाएगा। तो चलो ये वाला हमारा हल्क यहाँ पर है। 3, 2, 1 फायर। ओ भाई वो देखो, एक ही फटके में यार हमारा हल्क गिर चुका है। तो अभी मैंने यार अपनी स्टन गन निकाल ली है, जल्दी से इसके ऊपर हमला करते हैं और इसका सारा सीरम निकाल लेते हैं, आराम से आराम से। ये लो गाइस, हमने इस पर हमला करके इसका सारे सीरम को यार कैप्चर कर लिया है। और गाइस जल्दी से अपनी गन को यार अंदर रखते हैं और यहां से निकल लेते हैं, इससे पहले हमें यहां पर कोई देख ले। ये मोटी यार वहीं पर जा रही है, शायद इसने हमें देख तो नहीं लिया ना। ये रही हमारी बाइक, जल्दी से बैठ फ्रैंकलिन। यार क्या कर रहे हैं, जल्दी से बैठ भाई। तो गाइस चलो यार जल्दी से हम अपनी स्पोर्ट्स बाइक को लेते हैं और यहां से निकल लेते हैं। एक काम करते हैं गाइस, यहां से ऑफ रोडिंग करते हुए पहाड़ों के बीच से निकलेंगे, क्योंकि अभी तक यार टोनी को पता लग गया होगा कि हल्क पर किसी ने हमला किया है, और अगर हम मेन रोड से जाएंगे ना तो हमारे फंसने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और ये जो हमारी बाइक है ना, ये एक नॉर्मल बाइक नहीं है, ये काफी स्पेशल बाइक है। आप देख ही सकते हो कि भाई हम इसे पहाड़ों पर कितनी इजीली और कितने मस्त तरीके से चला पा रही है। ओ भाई यार क्या तगड़ी जंप मारी है गाइस। अगर आपको फ्रैंकलिन की ये वाली जंप अच्छी लगी है ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाइस यार अभी मुझसे वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि यार जब हमारे अंदर तीन हल्क और साथ में किंग कॉन्ग का सीरम जाएगा ना तो हम यार कितने खतरनाक वाले हल्क कॉन्ग बन जाएंगे। गाइस अगर आप हल्क कॉन्ग को देखना चाहते हो तो यार वीडियो को एंड तक तो जरूर देखना। भाई हम यहां पर कहां पर आ गए, यहाँ पर है क्या वो? ओ भाई साहब ये तो यार आर्मी बेस के पास जा रहा है वाला रास्ता, तो हमें यहाँ पर काफी केयरफुली जाना होगा, क्योंकि आर्मी वालों को अगर हमारे ऊपर शक हो गया ना तो यार हल्क तो हमें ऊपर से मारेगा ही मारेगा, और साथ में आर्मी वाले भी हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से राइट वाला रास्ता लेते हैं ऑफ रोडिंग करते हुए, ताकि आर्मी वालों को भी हमारे ऊपर शक ना हो।
तो गाइस यार हमें अपना नेक्स्ट हल्क मिल चुका है और गाइस जैसा कि मुझे शक था ना वो आर्मी बेस के पास ही मिला है। ये देखो यार ये आर्मी का बेस है और यहाँ पर जो नीचे पानी की टंकी है ना वहां पर खड़ा है यार। इतनी दूर से वो दिख नहीं रहा है, एक काम करते हैं हमें यार वहां पर नीचे जाना होगा और साथ में ये जो मेरी पिस्टल है ना यहाँ से उसका शॉट भी नहीं लगेगा तो इसलिए भी यार हमें नीचे जाना पड़ेगा ताकि हम यार उस वाले हल्क को अच्छे तरीके से शॉट कर पाए। भाई यार पैर फिसल गया, सॉरी। आराम से फ्रैंकलिन आराम से, वो हमारे ठीक सामने खड़ा है, बस थोड़ी पास जाना होगा। एक मिनट गाइज वहां पर ये देखो गाइज ये रहा फ्यूचर हल्क, वैसे इसको यार हम ग्रैंडफादर हल्क भी बोल सकते हैं और ये काफी ज्यादा ही मस्कुलर है। इससे पहले ये हमें देखे यहां पर झाड़ियों में चलते आराम आराम से इसको शॉट करते हैं। 3 2 1 फायर। वो देखो गाइस क्या तगड़ा हमने हेडशॉट मारा है और ये तो अब बिल्कुल भी उठने वाला है। आराम आराम से इसको देखने के लिए चलते हैं क्या हमने इसको अच्छे तरीके से बेहोश कर दिया या फिर नहीं। क्या अबे भाई ये इतना ज्यादा गहरा है, मुझे नहीं पता था कि ये वाला टैंक इतना ज्यादा गहरा होगा। ये देखो यार ये वाला हल कितना ज्यादा बड़ा है और हमने यार इसको काफी अच्छे तरीके से मारा है। एक काम करता हूँ इसको एक शॉट और मारता हूँ ताकि मुझे यार थोड़ा थोड़ा लग रहा है ये वापस से खड़ा हो जाएगा। एक और शॉट मारते हैं। 3 2 1 फायर। ये लोग हमने एक और शॉट मार दिया है और अब तो ये बिल्कुल भी नहीं खड़ा होगा। ये देखो बिल्कुल नीचे गिर चुका है और जल्दी से इससे पहले यार आर्मी वाले यहाँ पर आए इस वाले गन की आवाज सुनकर तो जल्दी से यार अपने सीरम को निकालते हैं, फायर करना होगा हमें। 3 2 1 फायर। ये देखो गाइस हमने इसके सीरम को निकाल लिया और जल्दी से यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि आर्मी वाले हमारे पीछे लगे। भाई यार ये कितना ज्यादा गहरा है यहाँ का पानी, आराम आराम से। सो ऑलराइट गाइज अभी आप देख सकते हो हमने अपनी बाइक को चेंज कर लिया है क्योंकि गाइज जो हमारी पुरानी बाइक थी ना उसको टोनी स्टार्क ने यार ट्रैक कर लिया था और वो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक था तो हमने उस वाली बाइक को छोड़कर ये वाली ट्रोन बाइक उठा ली है। तो चलो गाइज अभी हमें इस वाले इलाके में अपना लास्ट वाला हल्क मिलने वाला है और उसके बाद हम किंग कोंग को ढूंढने जाएंगे और उसका सीरम निकाल लेंगे। यार यहाँ पर कहीं भी हो सकता है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। चलो इस वाले विलेज में ढूंढते हैं। भाई यार यहाँ के रास्ते भी खतरनाक है, यहाँ पर भाई बंदे साइकिलिंग कर रहे हैं। भाई इनसे मैं पूछ भी नहीं सकता कि इन्होंने हल्क को देखा है क्या। भाई वो क्या है यार, वहां पर लाइट हाउस है, शायद हमें वहां पर कोई हल्क मिल सकता है क्योंकि जो हमारा ये वाला हल्क है ना वो सबसे अलग जगहों पर रहता है। भाई वहां पर एक बंदा है, एक काम करते हैं यहाँ पर झाड़ियों में अपनी बाइक को पार्क कर देते हैं और फिर आराम से छुपके से चलते हैं, शायद हमें इस वाले लाइट हाउस में कोई ना कोई हल्क मिल सकता है। भाई कितना अजीब घर है यहाँ पर, मतलब पहाड़ों के बीच में और आईलैंड के पास इकलौता घर है ये यहाँ पर। भाई देखो यार, वैसे यार ये वाला लाइट हाउस कितना ज्यादा अजीब है ना, ये रात में तो काफी ज्यादा स्केरी लगता होगा ना देखने में, वैसे दिन में तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक काम करते हैं हम उस वाले आइलैंड पर जाकर देखते हैं, शायद हमें वहां पर कोई ना कोई हल्क मिल सकता है। भाई नीचे उतरने का रास्ता कहाँ पर है, यहाँ पर सीढ़ियां तो है, शायद ये वाली सीढ़ियां नीचे जाती है। कितनी मस्त सीढ़ियां बना रखी है यार यहाँ पर। तो चलो गाइस हमें यार नीचे बोट भी मिल चुकी है, इसकी हेल्प से हम उस वाले आइलैंड पर जाएंगे और यार हल्क को ढूंढ लेंगे। भाई यहाँ पर दो बंदे, एक काम करते हैं इनको पहले खत्म कर देते हैं। ये ले भाई जल्दी यार रीलोड आ गया जल्दी। ये ले गाइस हमने इसे भी खत्म कर दिया है, हमने यार इन बंदों को भी इसलिए मारा है ताकि कोई ना हमें पहचान पाए क्योंकि अगर ये मुझे यहाँ पर देख लेते ना तो ये पुलिस को बता देते कि यहाँ पर जो हल्क है उसे हमने ही मारा है। तो यार हम लाइट हाउस पर पहुंचने वाले हैं और यार हमें यहाँ पर आने के लिए तो बोट की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या ही मस्त लाइट हाउस है यार, भाई सच में मजा आ गया यहाँ पर आकर। भाई ऊपर कैसे चढ़े हम, कहाँ से रास्ता यहाँ। और गाइस ये देखो, मुझे पक्का पता था कि हमें यहाँ पर कोई ना कोई हल्क मिल जाएगा और भाई ये तो काफी ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है देखने में। ये तो काफी ज्यादा ग्रीन है, ये तो यार बिल्कुल डार्क ग्रीन है। यहाँ से हम इसे गोली मार सकते हैं क्या, आराम आराम से। 3 2 1 इसका हेडशॉट लेना होगा, फायर। वो देखो गाइस एक ही फटके में यार ये भी बेहोश हो चुका है। आराम से ऊपर चढ़ते हैं और इसका भी जल्दी से यार सीरम निकाल लेते हैं। भाई यार ये मरने के बाद भी स्माइल कर रहा है देखो, तो चलो इसका सीरम निकालते हैं आराम से। 3 2 1 फायर। ये देखो गाइस इसके अंदर से लाइटिंग उठ रही है तो इसका मतलब कि हमने इसके सीरम को भी कैप्चर कर लिया है। तो गाइस अभी हमने फाइनली तीन के तीनों हल्क के सीरम को कैप्चर कर लिया है और अभी हमें यार किंग कोंग को ढूंढने के लिए जाना है ताकि हम किंग कोंग के सीरम को भी निकाल ले और उसके बाद यार सारे के सारे एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर इस्तेमाल करके हम बन जाए कोंग हल्क। यार गाइस हमने सारे के सारे हल्क को खत्म तो कर दिया है लेकिन यार अभी काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, पता नहीं हम यार किंग कोंग को ढूंढ पाएंगे या फिर नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि अगर हम किंग कोंग को नहीं ढूंढ पाए ना तो ये वाले हल्क यार बेचारे वैसे ही मारे जाएंगे जो कि यार हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। भाई हमने अपनी बाइक को कहां पर पार्क किया था, यहां पर ये खड़ी। गाइस जल्दी से अपनी बाइक को उठाते हैं और अभी हमें यार किंग कोंग को ढूंढने के लिए भी जाना है। गाइस यार प्रे करो कि हमें किंग कोंग यार जल्दी से मिल जाए क्योंकि वो जो किंग कोंग है ना वो यार इजीली मिलता नहीं है, पता नहीं कहां पर रहता है। तो यहां से देखते हैं शायद हमें वहां पर जाने का रास्ता मिल सकता है, आगे शायद रास्ता है, यहीं से निकलते हैं।
वैसे यार ये वाला इलाका काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में तो। भाई क्या ही ऑफ रोडिंग होगी, अगर यहाँ पर हमारे पास अपनी यार वो वाली स्पोर्ट्स बाइक होती ना तो यहाँ का एडवेंचर करने में और भी ज्यादा मजे आने वाले थे। भाई कहाँ पर जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता लग रहा है, पता नहीं आज हम यार किंग कॉन्ग को ढूंढ पाएंगे या फिर नहीं ढूंढ पाएंगे। अरे भाई वो क्या नीचे, एक मिनट गाइज मुझे कुछ नीचे लग रहा है अजीब सा, काफी ज्यादा बड़ा है, शायद ये हमारा किंग कॉन्ग हो सकता है। भाई वो देखो पता नहीं ये क्या है, भाई यार काफी ज्यादा ही बड़ा क्रिएचर है, पता नहीं क्या है। एक मिनट गाइज आराम आराम से चलते हैं। गाइज यार ये देखो हमने कितने बड़े किंग कॉन्ग को ढूंढ लिया है, और भाई ये जो पहाड़ है ना उससे भी कितना ज्यादा बड़ा है, तो यार मुझे इसे है ना छोटा करना होगा क्योंकि हम इसको छोटे करने के बाद इसके सीरम को निकाल सकते हैं। तो यार ये वाली मेरी जो स्पेशल गन है ना इसकी हेल्प से हम इस वाले किंग कॉन्ग को बिल्कुल साइज में छोटा कर सकते हैं। तो चलो यार अपने इस वाले एक्सपेरिमेंट को इसके ऊपर भी करके देख लेते हैं कि हमारी जो ये वाली गन है वो इसकी को छोटा कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। तो 3, 2, 1 फायर फायर फायर। सो गाइस यार ये देखो अभी हमने यार इतने बड़े किंग कॉन्ग को कितने छोटे साइज में कन्वर्ट कर दिया है, और यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही किंग कॉन्ग है जो यार अभी इतना ज्यादा बड़ा था, मतलब कि ये देखो इस वाले पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा था, और अभी तो यार ये हमारे जितना हो चुका है। तो गाइस ये हमारे अंडर कंट्रोल है, तो गाइस अभी एक काम करते हैं इससे पहले इसे होश आए जल्दी से इसका सीरम भी निकाल लेते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। 3, 2, 1 फायर। ये देखो गाइस अभी यार ये थोड़ा सा बेहोश हो जाएगा और उसके बाद एक और शूट करेंगे और फिर इसका सीरम हमारे पास आ जाएगा। तो भाई ये बेहोश हो चुका है पूरे तरीके से, एक बार और इसके ऊपर शूट करते हैं आराम से, बिल्कुल आराम से। 3, 2, 1 फायर। ये देखो गाइज अभी हमने इसको शूट कर दिया है और इसका सारा सीरम हमारे स्टन गन में कैप्चर हो चुका है। तो चलो गाइज अभी हमने यार तीनों के तीनों हल्के सीरम को निकाल लिया है और साथ में बड़े किंग कॉन्ग के सीरम को भी हमने निकाल लिया है। तो चलो अभी अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए चल पड़ते हैं। सो ऑलराइट गाइज यार अभी हम अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए अपनी जगह पर आ चुके हैं, लेकिन गाइज अभी एक चीज चेंज हो चुकी है। एक्चुअली है ना मैं स्टार्टिंग में इस वाले एक्सपेरिमेंट को ट्रेवर के ऊपर करना चाहता था, लेकिन यार ट्रेवर इस बात को मना कर रहा है। तो अभी मेरा प्लान ये है कि मैं इस वाले एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर परफॉर्म करूंगा, यानी कि मैं इस वाले सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करवाऊंगा और उसके बाद मैं ही हल्क कॉन्ग बनने वाला हूं। तो इसके लिए यार मैंने ट्रेवर की हेल्प ली है, ट्रेवर को एक्चुअली मैंने अपनी गन दे दी और इस वाली गन से ये मेरे ऊपर सारे के सारे सीरम को इंजेक्ट कर देगा। तो चल यार ट्रेवर जल्दी से इस वाले सीरम को मेरे अंदर इंजेक्ट कर दे। तो चलो यार ट्रेवर मेरे अंदर सीरम को इंजेक्ट कर रहे हैं। 3, 2, 1 कर दे यार ट्रेवर फायर। गाइस यार ये देखो फाइनली हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। ये देखो हमारे अंदर यार पावर हल्क और कॉन्ग दोनों की है, और साथ में हमारी जो बॉडी है ना मतलब कि निचला हिस्सा वो हल्क का है और जो इसका फेस है वो कॉन्ग का है। भाई क्या ही खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस यार, क्या ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट था ये वाला। चलो इसकी एक बार थोड़ी सी पावर और टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे हल्क कॉन्ग के अंदर पावर कैसी है। एक मिनट भाई, ओ भाई हमारे पैर के नीचे आ गई वो गाड़ी, यहाँ पर एक गाड़ी, ओ भाई वो देखो भाई शिट यार क्या ही खतरनाक लग रहा है हमारा ये हल्क कॉन्ग। एंड गाइस अगर आप इस वाले हल्क कॉन्ग की सबसे खतरनाक वाली पावर्स देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में यार पार्ट 2 लिख देना, क्योंकि आज के वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और यार इस वाले हल्क कॉन्ग के पास तो काफी डिफरेंट टाइप्स की पावर है, और ये तो यार पूरी दुनिया पर हमला करके उस पर राज भी कर सकता है। तो गाइस अगर आप इसकी पावर्स देखना चाहते हो तो जल्दी से यार कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देना। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।